Hey guys, Assalamualaikum. I'm doing great and hopefully आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में बैठे होंगे और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, अगर आपने उनको सेफ रखना है तो आपको घर पे बैठना पड़ेगा. हम सब लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें, हम घर में बैठे हैं, हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. अगर आपके घर के पास, अगर घर के पास नहीं भी है तो थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके, मास्क लगा के, हाथों में ग्लव्स पहन के, आप अपने आसपास कोई भी मार्ट है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो, कोई भी मार्ट है तो वहाँ जाके आप राशन के पैकेट्स 5-10, इनफैक्ट अगर आप एक या दो भी बनवा सकते हैं तो प्लीज़ वो बनवा के, जो लोग आपको लगता है आपकी गली मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, जो रोज़ कमाते हैं तो ही खाते हैं और अगर नहीं कमाते तो नहीं खाते, तो प्लीज़ उन लोगों का ख्याल करें. और राशन के पैकेट्स जिसमें आप थोड़ा सा आटा, चावल, एक दिन का, दो दिन का, एक हफ्ते का, अगर आप एक महीने का कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह चीज़ें अफोर्ड नहीं करते. तो बस आपने मार्ट में जाना है और बहुत सारे मार्ट्स तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी भी उन्होंने राशन के पैकेट्स बनवाए हुए हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प के लिए बाहर निकल रहे हैं इस टाइम. अगर आप जरूरत के वक्त किसी के काम आ सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई नेमत होगी. चलिए थोड़ा सा लाइट नोट पे आते हैं. तो भाई आज मैं करने जा रही हूँ ये वाली मेकअप लुक. अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे किया है तो वॉच द वीडियो. और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं और जहाँ जहाँ से आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा. विदाउट एनी फर्दर तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे. मैं प्राइमर नहीं अप्लाई कर रही इस लुक में, हम इसी को प्राइमर और इसी को एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे. और उसके बाद आते हैं जी फेस पे. तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले फाउंडेशन. फाउंडेशन नहीं है, बीबी क्रीम एम एस रोज़ की इन शेड फेयर. और ये पम्प के साथ है और पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है. 1.5 पम्प मैं इसका ले रही हूँ. मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स बीबी क्रीम्स की कवरेज इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्रश सेट. और इसके अंदर 5 आई ब्रशेज़ मिलते हैं आपको और 5 फेस ब्रशेज़ मिलते हैं. अगर आप बिगिनर हैं तो दिस ब्रश सेट इज़ फॉर यू. काफ़ी फ्लफी हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बिगिनर्स के लिए बेस्ट होंगे ये. इसी ब्रश सेट में से मैं ये बफिंग ब्रश लेके अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गई थी. और उसके बाद मैं अपनी आईज़ को भी इसी के साथ प्राइम कर रही हूँ क्योंकि मैं अलहदा कोई कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली. और यू कैन क्लियरली सी कि मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक छुप गए हैं. उसके बाद हम अपने फेस को सेट कर देंगे इस लूज़ पाउडर के साथ, इंसेंट शेड 01. और ये भी मिस्टोज़ का ही है. कुछ इस तरह से पैकेजिंग है इसकी और थोड़ी सी अमाउंट जितनी हमें चाहिए हम कैप में निकाल लेंगे. और उसके बाद मैं उन एरियाज़ पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रीजिंग होती है, अंडर आई पे, माउथ वाले एरिया पे और थोड़ा सा फोरहेड पे. उसके बाद मैं ये वाला ब्रश लेके अपने फेस के वो वाले पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ जिनको हाईलाइट करना होता है. और नेक पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी रोमांटिक कलर का ये पैलेट. काफ़ी वर्सेटाइल पैलेट है, इसके अंदर कॉम्पैक्ट हैं, आईब्रो फिलर हैं, ब्लशर हैं और दूसरी साइड पे ये काफ़ी सारे ग्लिटर्स हैं. मैट्स नहीं है इसके अंदर, ये सारे के सारे ग्लिटर्स हैं. और इसकी पिगमेंटेशन एक्सट्रीम फिट किस्म की पिगमेंटेशन है इसकी. कुछ शेड्स मैंने स्वॉच भी किए हैं आप लोगों के लिए. इस पैलेट को यूज़ करके आप फुल फेस ऑफ मेकअप कर सकते हैं. आपके पास यहाँ पे ब्लशर हैं, इसको अगर आपकी फेयर स्किन है तो इसको कॉन्ट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं. बाकी ये वाले हमारे पास कॉम्पैक्ट हैं, ये वाले आईब्रो फिलर हैं और ये वाले सारे शिमर्स हैं. मैं इन दो शेड्स को मिक्स करूँगी और ब्लश ऑन अप्लाई करूँगी. एक पीची सा शेड था, एक पिंक सा शेड था. और नोज़ पे, चीक्स पे, जहाँ जहाँ पे आपको करना है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वाला ब्रश उसी ब्रश सेट में से. और मैं लाइट सा अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी और जो फेस की कॉन्टोरिंग है वो करेंगे हम फॉरहेड की. और उसके बाद कॉन्टोर लाइन को हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि वो हार्श लाइन नहीं लगे. जॉ लाइन को भी मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ. ये 4 शेड्स हैं इसके अंदर आईब्राउज़ को फिल करने के लिए. मैं इसी में से एक ब्रश उठाऊँगी और ये वाला जो ब्राउन, डार्क ब्राउन सा शेड है इसको लूँगी और इसके साथ लाइट सा मैं अपने आईब्राउज़ को फिल कर दूँगी. नेक्स्ट अप मैं अपने फेस से जो एक्सेस पाउडर लगा हुआ था, जो हमने बेक करने के लिए फेस को लगाया था, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ. और नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें
ये वाला जो शेड है बिल्कुल ब्राउन सा शेड है, लाइट ब्राउन सा शेड है, उसको मैं अपनी आईलिड्स पे फिंगर्स के साथ ही अप्लाई कर रही हूँ। और फिर जिसके साथ मैंने आईब्रोज फिल की थी उस शेड के साथ मैं वो जो ग्लिटर मैंने अप्लाई किया था लिड पे उसको मैं ब्लेंड आउट कर दूँगी बहुत ही सिंपल से वे में। और उसके बाद हाइलाइटिंग के लिए मैं कोई सेपरेट हाइलाइटर यूज़ नहीं करी, इसी में से मैंने एक वाइट शेड उठाया और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्लाइंडिंग किस्म का इफेक्ट है। और इसको मैं अपने नोज़ पे और सारी जगह अप्लाई करी हूँ। उसके बाद आईज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिस्टोज़ की पेंसिल, इट्स इन शेड लाइट क्लियर, और ये न्यूड पेंसिल है और इससे आपकी आँखें काफ़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। और ये ऑफ कैमरा मैंने लैशेज लगा ली हैं क्योंकि सबको लगानी आती हैं। लिपस्टिक के लिए मैं मिस्टोस का ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं और ये स्मेल कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे रू अफ़ज़ा की तरह ये स्मेल कर रहा है, बहुत ही प्यारी सी स्मेल है और बहुत पिगमेंटेड है। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, इसके अंदर ब्राउन के शेड्स हैं, इसके अंदर रेड के शेड्स हैं, इसके अंदर पिंक्स हैं, इसके अंदर पीची शेड्स हैं और मतलब काफ़ी सारी रेंज आपको इसके अंदर लिप शेड्स की मिल जाएगी। तो ये वाला हमारे पास पैलेट है और आई रियली लाइक इट। लिपस्टिक के लिए हम यूज़ करेंगे ये मिस्टोज़ का पैलेट, इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स हैं, मैं ये पीची पिंक और ये ब्राउन सा शेड उठा रही हूँ और इसकी स्मेल आप देख सकते हो बहुत प्यारी स्मेल है, दिल कर रहा था खा जाऊँ। और सबसे पहले मैंने ये पीची पिंक शेड अप्लाई किया, उसको मैंने टॉप अप कर दिया ब्राउन शेड के साथ एंड दैट्स इट, बहुत ही प्यारा सा शेड बन गया ये और बस लुक ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट्स। आई लव यू गाइस सो मच, घरों पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।